పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు కాసేపట్లో ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. माननीय सदस्यगण, संसद के इस समवेत सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गर्व जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए शत प्रतिशत सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्व का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से दो कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। दो में देश जब इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आज़ादी के अमृतकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अवसर दिया तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों को तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित दिशा में
देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 2वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंचे। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। माननीय सदस्यगण, भगवान बसवेश्वर ने कहा था, कायकोबे कैलाश, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म में ही सिद्ध। उनके दिखाई मार्ग पर चलते हुए मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य को पूरा करने में तत्परता से जुटी है। आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबी को स्थायी समाधान और उनके स्थायी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनकल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। आज भारत में महिलाओं के सामने से हार बाधा को दूर करने वाली सरकार है। आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। आज भारत में विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार है। आज भारत में अपनी वैश्विक भूमिका को लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वाली सरकार है। माननीय सदस्यगण, मैं आज इस सत्र के माध्यम से देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने लगातार 2 बार एक स्थिर सरकार को चुना है। मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। स्थिर और निर्णायक सरकार होने का लाभ हमें 100 साल की सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद बनी परिस्थितियों से निपटने में मिल रहा है। दुनिया में जहां भी राजनीतिक अस्थिरता है, वह देश आज भीषण संकट से घिरे हैं। लेकिन मेरे सरकार ने राष्ट्रहित में जो भी निर्णय किए, उससे सार भारत का बाकी दुनिया से बहुत बेहतर स्थिति में। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्ष से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा, भ्रष्टाचारियों के लिए
समाज में किसी भी प्रकार की सहानुभूति ना हो, इसके लिए सामाजिक चेतना भी देश में बढ़ रही है। बीते वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बेनामी संपत्ति अधिनियम को नोटिफाई किया गया है। आर्थिक अपराध कर फरार हुए अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए फजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट पारित किया गया है। सरकारी कामों में पक्षपात और भ्रष्टाचार के चलन को भी खत्म करने के लिए प्रभावी सिस्टम बनाया गया है। आज सरकारी कामों में टेंडर और खरीद के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे व्यवस्था है, जिसमें अब तो 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। राष्ट्र निर्माण में ईमानदार योगदान देने वालों को आज विशेष सम्मान दिया जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कोई जटिलताओं को खत्म कर देशवासियों का जीवन आसान बनाया गया है। फेसलेस जांच को बढ़ावा देने की वजह से व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और उसे जवाबदेह भी बनाया गया है। पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, आज आईटीआर भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। आज जीएसटी से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जनधन, आधार, मोबाइल से कुछ फर्ज लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया। बीते वर्षों में डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से ज़्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंच रहा है। अब तो पूरी पारदर्शिता से 27 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट करती है कि ऐसा योजना और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया है। जो भ्रष्टाचार रुकता है और टैक्स की पाई पाई का सदुपयोग होता है, तो भारत टैक्स पेयर को भी गर्व होता है। माननीय सदस्यगण, आज देश का ईमानदार करदाता चाहता है कि सरकारें शॉर्टकट की राजनीति से बचे, ऐसा योजनाएं बने जो समस्याओं के स्थायी समाधान को प्रोत्साहित करें। जिनसे सामान्य जन का सशक्तिकरण हो, इसलिए मेरी सरकार ने वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देशवासियों के दीर्घकालीन सशक्तिकरण पर बल दिया है। गरीबी हटा आप केवल नारा नहीं रह गया है, आप मेरी सरकार द्वारा गरीब की चिंताओं का स्थायी समाधान करते हुए उसे सशक्त बनाने के काम किया जा रहा है। जैसे गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है, गंभीर बीमारी से गरीब परिवार का हौसला पूरी तरह से टूट जाता है, पीढ़ियां कर्ज से डूबे जाती है। गरीब को इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रवासी व्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है। अनेक गरीब उनके 80,000 करोड़ रुपया खर्च होने से बचाए हैं। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र में बहुत कम कीमत में दवाई
उपलब्ध कराई जा रही है। इससे बीते वर्षों में गरीबी के करीब 20,000 करोड़ रुपया बचे हैं। यानी सिर्फ आयुष्मान भारत और जन औषधि परियोजना से ही देशवासियों को 1,00,000 करोड़ रुपया की मदद हुई। मैं सामान्य नागरिकों के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पानी का उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहूँगी। मेरी सरकार ने हर घर जल पहुँचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। उसके पहले तक 7 दशकों में देश में करीब 3 करोड़ घर तक ही पानी का कनेक्शन पहुंचा था, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत इन 3 वर्षों में से करीब 11 करोड़ परिवार पाइप वाटर सप्लाई से जुड़ चुके हैं। इसका सबसे ज़्यादा लाभ गरीब परिवार को ही मिल रहा है।